बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, वैलेंस नंबर शोन बाय द एलिमेंट जनरली करिस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। जब भी हम किसी भी एलिमेंट का वैलेंस नंबर बात करते हैं ना कि भाई इसका वैलेंस नंबर क्या है, तो वैलेंस नंबर से हम ये पूछ रहे होते हैं कि भाई इसके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं। ठीक है, जैसे वैलेंस नंबर हाइड्रोजन का क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जो ये आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है, जो उसके अंदर सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक की जगह है, तो इसका वैलेंस नंबर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट डज वैलेंस नंबर मीन, रिप्रेजेंट वैलेंस नंबर कोरिस्पोंड्स टू, या फिर इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन एन एटम। ठीक है, However, this is not always the case because if only the unpaired electrons in an atom were permitted to form bond, अब क्या है कि that VBT के मुताबिक हमें ये पता चल रहा था कि important point है, इसको आप highlight करके रखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर VBT के मुताबिक सिर्फ जो हमारे पास unpaired electrons होते हैं वो सिर्फ वही bond form कर सकते हैं। ठीक है, तो according to this situation हमारे पास क्या होना चाहिए कि बेरिलियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, उसको इनर्ट होना चाहिए, यानी उसको कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करना चाहिए। बल्कि जबकि ऐसा नहीं होता, बेरिलियम 4 जो है वो बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, फिर इसी तरह बोरॉन विच हैज एन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिस, जिसके बोरॉन B5, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कुछ इस तरह की आ रही है। ठीक है, आप देखिए इसकी वैलेंसी क्या है, 1 होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। इसी के साथ साथ अगर हम लोग कार्बन की तरफ आ जाएं, तो कार्बन का मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि कार्बन के हमारे पास जो वैलेंस नंबर बन रहा है वो 2 बन रहा है। ठीक है, बिकॉज इसके जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, यहाँ पे इस में देखिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन को जो है वो 2 बॉन्ड्स फॉर्म करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। जो आपके पास बेरिलियम है, बेरिलियम जिसको इन्होंने इनर्ट कह दिया था, वो उसके पास इट हैज अ वैलेंसी ऑफ 2, यानी कि ये 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। बोरोन की जो वैलेंसी है, बोरोन 5 की, हालांकि यहाँ पे देखिए उसकी वैलेंसी सिर्फ 1 शो हो रही है, जबकि उसकी वैलेंसी क्या बनती है, 3। एंड कार्बन जो कि यहाँ पे शो हो रहा है कि उसकी वैलेंसी सिर्फ 2 बनती है, इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाला जो पॉइंट है, ये आप लिख सकते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ, लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू, व्हाट कैन यू राइट हियर, यू कैन राइट ड्रॉबैक्स ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ये क्या है, ये ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या यू कैन से जो हमारे पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो दूसरे हैं। ठीक है, उनका नंबर दूसरा है, और जो हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी है वो डिफरेंट तरीके से आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये वाले एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, वो इतने ज़्यादा बॉन्ड्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हालांकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा नहीं कह रही, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बता रही। तो पॉलिंग एंड स्लॉटर रिजॉल्व दिस डिस्क्रिपेंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, विच इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ प्योर एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है असल में कि दैट जो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि दैट जो एस और पी ऑर्बिटल्स हैं, सपोज ये वाला 2s2 एंड 2px 2py 2pz वगैरह, ये क्या करते हैं, ये हाइब्रिडाइज कर लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और कुछ न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। बट एक चीज नोट डाउन करने वाली है यहाँ पर, कि ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग प्रोसेस से थोड़ी देर पहले जो है वो फॉर्म होते हैं। सपोज कार्बन आपके पास जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है, ठीक है, कार्बन अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन क्या होगा, कार्बन तभी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को अंडरगो करने लगेगा जब वो किसी के साथ बॉन्ड करने लगेगा। तब अगर कार्बन अकेला बैठा हुआ है
तो उसकी वैलेंसी हमेशा यही होगी, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बॉन्डिंग से पहले होती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि दैट मिक्सिंग होगी एस और पी ऑर्बिटल्स की, ठीक है, एक एस एक पी के साथ कंबाइन हो सकता है, या एक एस दो पी के साथ, या एक एस तीन पी के साथ कंबाइन हो सकता है। वो हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के आगे डिफरेंट टाइप्स है और क्या फॉर्म करता है न्यू ऑर्बिटल्स, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये आपके पास सेकेंड पॉइंट आ जाता है, बल्कि थर्ड आ जाता है। फर्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व्स इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। सेकेंड क्या है, बिफोर द बॉन्डिंग प्रोसेस। थर्ड क्या है कि जो नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो हमेशा इक्वल हो जाता है टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। यानी सपोज एक एस और एक पी, यानी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक का नाम एस पी होगा, दूसरे का नाम भी एस पी होगा, तो हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर तीन कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक और ऑर्बिटल फॉर्म होगा, लेकिन ये नाम चेंज हो रहेगा, एसपी नहीं रहेगा, तीन न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो जितने भी ज्यादा ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। द बॉन्डिंग प्रोसेस कैन देन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और वन एटम विद अ प्योर और हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर एटम, ठीक है। अब क्या हो सकता है, एक के हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरे के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। मतलब सपोज एक का sp जो है वो किसी दूसरे के, यानी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का सपोज ये नाम है, दूसरे के s के साथ यानी प्योर के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एक का sp दूसरे के sp के साथ कंबाइन कर जाए, यानी हाइब्रिड हाइब्रिड के साथ भी ओवरलैपिंग हो सकती है और हाइब्रिड की प्योर के साथ भी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आ जाती कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्योर के साथ कंबाइन नहीं हो सकते, ओके, दिस इज इट। अच्छा, एज वी नो सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, हमारे पास जो वीबीटी है वो बहुत कुछ एलिमेंट्स की जो बॉन्डिंग है वो शो नहीं करती। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक बेरिलियम जो है वो उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उसको बॉन्ड फॉर्म नहीं करने चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बेरिलियम जो है वो दो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा, आपने जब वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी तो आपने BeCl2 पढ़ा था, राइट? यानी बेरिलियम दो क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, तो ये दो बॉन्ड कैसे फॉर्म कर लिया बेरिलियम ने, ठीक है। सो क्या है कि ये जो मॉडिफिकेशन है हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट की इन वीबीटी, उससे हमें बहुत सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन पता चलती है, ओके। सो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। इसको गौर से पढ़िएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंड द ऑर्बिटल्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए अभी मैंने क्या कहा, s कंबाइन हो रहा है विद p, तो देखिए s की शेप क्या है, स्फेरिकल, p की शेप क्या है, डंबल। दोनों की s की एनर्जी क्या है, लो, p की एनर्जी क्या है, हाई। सो दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जीज बट दे कंबाइन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी कुछ शेप ये है, जिनका ये वाला पोर्शन एस कहलाता है और ये वाला पोर्शन पी कहलाता है। ये ना प्रॉपर स्फेरिकल शेप है ना प्रॉपर डंबल शेप है, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप कैसी होती है। अब क्या होगा कि मैंने कहा था एक एस और एक पी कंबाइन हुए ना, मतलब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, तो दो ही न्यू ऑर्बिटल्स, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए एस की शेप डिफरेंट थी, पी की शेप डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर इसकी शेप और इसकी शेप, जो दो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, दोनों की शेप भी सेम होगी और दोनों की एनर्जी भी सेम होगी,
सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप दे कंबाइन टू फॉर्म ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहेंगे. ठीक है. According to this concept, atomic orbitals differing slightly in energy intermix to form new orbitals of equal energy are called the hybrid orbitals, which differ from the parent atomic orbitals in shape and energy and process specific geometry. ठीक है. अब क्या है कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उन्होंने वही बात बार बार एक्सप्लेन की है कि दैट डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप्स, लेकिन इसके बीच और इसके बीच S और P के बीच क्या होना चाहिए, ये वाला जो S है और ये वाला जो P है इनके बीच बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो कि ये वाला S जो है हम ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिटल में से और ये वाला P हम ले रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट में से. ठीक है. तो इनकी एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा. हमने ऐसे नहीं लेने, हमने हमेशा पास पास वाले एस और पी ऑर्बिटल्स लेने हैं जो कि क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे जिनका नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है. और उन दोनों की एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी, उनकी शेप भी एग्जैक्टली सेम होगी, लेकिन क्या है, इनकी एनर्जी और शेप इनके जो पेरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी से डिफरेंट होगी. ठीक है. इट ऑल्सो गिव्स अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स. अब क्या है कि आप जब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बन क्यों फोर बॉन्ड्स फॉर्म करता है, बेरिलियम क्यों टू बॉन्ड्स फॉर्म करता है, वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है. ठीक है. इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर आर प्रमोटेड टू द एक्साइटेड स्टेट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या है, इस प्रोसेस में असल में होता क्या है, इस प्रोसेस में असल में ये होता है कि दैट देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मतलब लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दिया जाता है टू हायर एनर्जी. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर सपोज जो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आगे क्या जाके अनपेयर्ड हो जाते हैं और अनपेयर होने की वजह से दे कैन फॉर्म बॉन्ड्स. ठीक है. द एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एस पी वाले, वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को अंडरगो करते हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको लाजमी पता याद रहने चाहिए. पहला पॉइंट यहाँ पर क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दैट प्योर एस एंड पी ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करने के लिए. ठीक है. सेकेंड क्या है, ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है वो बॉन्डिंग से थोड़ी देर पहले होगा, इससे पहले नहीं होगा. ठीक है. इससे पहले एटम्स नॉर्मल स्टेट में ही रहेंगे. ठीक है. तीसरा क्या है, नंबर ऑफ द हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो सेम होंगे. ठीक है. फिर हमारे पास क्या है, फिर हमने ये पढ़ा था कि दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो क्या करते हैं, वो प्योर ऑर्बिटल्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर कि डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और सेम एनर्जी और सेम शेप वाले ऑर्बिटल जो है वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर हमने सिक्स्थ पॉइंट ये पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में कि दैट ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि दैट ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं टू द एक्साइटेड स्टेट, और वो क्या कहते हैं, ग्राउंड में अगर पेयर्ड थे तो एक्साइटेड स्टेट में जाके अनपेयर्ड हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं. अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये भी एक चीज यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, द एनर्जी, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से निकाल के एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है. ठीक है. ये आप पहले पढ़ते रहे हो फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, आप ये 9th-10th में पढ़ते रहे हो. ठीक है. कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट तो उनको क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए. तो अब क्या होगा कि ये एनर्जी कहाँ से आती है, आप तो हीट नहीं ना करें, अब आपको क्या पता ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने लगे. ठीक है. तो आप क्या करोगे, तो ये वाले जो हमारे पास क्या है एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी जो है वो अपने ही एटम से लेते हैं. ठीक है. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन इज कंपनसेटेड बाय द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एटम्स. क्या हुआ,
एनर्जी एटम ने ली, अपनी ही एनर्जी यूज की और अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट भेज दिया। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा तो उसने दूसरे एटम के साथ क्या किया, बॉन्ड कर लिया। जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी होती है वो उस एनर्जी के इक्वल हो जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन एटम ने यूज की थी अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। तो ये सेवेंथ पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। रिपीट कर देती हूँ फिर से, क्या है कि एस और पी ऑर्बिटल्स, पी और एस एंड पी ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो क्या है कि ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो बॉन्डिंग से थोड़ी देर पहले होगी। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और प्योर ऑर्बिटल्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि दैट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, लेकिन उनकी एनर्जी में बहुत थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, वो कंबाइन करते हैं और न्यू क्या कहते हैं हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं जिनकी शेप भी सेम होती है और जिनकी ज्योमेट्री भी सेम होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इस पूरे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में असल में आपको बताया गया होता क्या है। इसमें होता यह है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहे हैं। और क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच के वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उस दौरान एक एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी किसके इक्वल होती है, इस एनर्जी के इक्वल होती है जो कि एटम ने यूज की थी अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। ओके, नाउ वी हैव थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2, sp3। ठीक है, ये हम अभी तीन बेसिक तरह की हाइब्रिडाइजेशन इस क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया, इसको मैं यहाँ एंड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है और वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स में हम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आएंगे और फिर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आएंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही है लिखना, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें जिनमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाई है, तो वहां से इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा।